4 दिन की चलती है। 4 दिनों में क्या क्या होता है? पहला दिन वो जो क्या नाम लौकी चावल खाया जाता है, दूसरे दिन का नाम से कि वो संजोत पूजा किया जाता है, तीसरे दिन का नाम से सूरज डूबते हुए सर जल दिया जाता है, और चौथे दिन उगते हुए सर जल देते हैं। ये जो जी नहीं व्रत रहते हैं, पूरा नीला जल व्रत रहते हैं जी मेरा। कितने वर्षों से ये करती चली आ रही पूजा? मेरा तो बहुत दिन से, मेरा तो 26 साल से कर रहे हैं। 26 साल से आप ये पूजा कर रही है, क्या लगा कि जब से आपने इस पूजा की शुरुआत की माँ ने वो हजारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण की जो आपने माना है? जी सब पूरा। ऐसी कोई बात बताइए जो जिसकी इच्छा लेकर आपने पूजा की शुरुआत की वो पूरा हुआ? पूरा हो गया। क्या था वो? पूरा हुआ था पुत्र की इच्छा। पुत्र की इच्छा लेकर किया था, वो पूरा हो गया। तो क्या कहेंगे जो लोग आज भी मतलब इस बातों को नहीं मानते, उनके लिए क्या कहेंगे? अब ये मानती नहीं है तो उसके लिए क्या कहते हैं, चाहे अपना श्रद्धा है, चाहे जो भी जैसे अपना जिसका मन में श्रद्धा है वो करे, तो माता का तो भाई कृपा तो बनी रहती है, ये सच्चे हाँ सब पे बना रहता है। पति धन अन्न सबको संपत्ति सबकी श्रद्धालु माँ छठ माता की कृपा से होती है। पहले दिन जो है सब नहा खा करके जो है लौकी चावल खाते हैं, दूसरे दिन खीर खाते हैं, तीसरे दिन भी जो है निराहार व्रत करके सुबह शाम को भी अर्घ देते हैं छठ माई का, फिर सुबह अर्घ दे करके सप्तमी में जो है अपना पूजा अर्चना करके अपने अपने घर के लौटते हैं। जिसकी जो मन्नत होती है माँ छठ माँ सबकी श्रद्धा सबका श्रद्धा सबका आज शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके पूजा की जाती है। तो पूजा कर रहे जी हैं। जी आज कहेंगे सूर्य देवता आदि देवता आप हमारा अर्घ स्वीकार करें और मेरे सब परिवार पुत्र पति धन दौलत को संपन्न रखे। शाम को नहा धो के खीर पूरी खाया जाता है, बीस उसके बाद 24 घंटा व्रत चलता है। अपने शरण में ही रखिए दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष और किरण